सबको तो पता ही है कि क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। आप सबको पता है कि मेरी इंगेजमेंट होने वाली है, इसीलिए गाइस मैं हम सब आज आए हैं आपके साथ अपने कुछ रिवाज, अपने उत्तराखंड के कुछ रिवाज को आपके साथ शेयर करने के लिए। गाइस मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो, देखिए गाइस मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, ये हमारे उत्तराखंड का रिवाज है। जब बेटी की सगाई होती है ना, तो मम्मी पापा, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ सामान बर्तन हैं जो मम्मी पापा अपने होने वाले दामाद को देते हैं। देखिए गाइस, ये है वो सामान जो मेरी मम्मी और भैया उनको देंगे, उनकी फैमिली वालों को। देखिए ये होते हैं 5 बर्तन, जो उत्तराखंड का फेमस रिवाज है कि जिसमें बेटे को होने वाले दामाद को ना ये सब चढ़ते हैं 5 बर्तन। गाइस मेरे पापा तो वैसे तो नहीं है वो, लेकिन वो हमारे बीच हमेशा हैं और वो हमारे अंदर हमेशा ज़िंदा रहेंगे, इसलिए वो ये हमेशा से चाहते थे कि मैं ऐसा करूँ। तो मेरी मम्मी ने करा है, मेरी बहन ने, भाई ने, हम सब ने ये मिलके किया है। गाइस देखिए ये बर्तन, 5 बर्तन है। इसमें एक लोटा होता है गाइस, एक लोटा है और एक कटोरी है छोटी सी। 5 बर्तन पूरे करने होते हैं गाइस। जब मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट हुई थी ना, तब मेरे पापा तो इंगेजमेंट को काफ़ी दिन थे, लेकिन मेरे पापा ऐसा सोचते थे कि मैं एकदम से सब कुछ लेके आ जाता हूँ। तब मेरे पापा ऐसे ही सारे बर्तन लेके आए थे, उन्होंने ऐसे ही एक पीतल की परात खरीदी थी, उसमें एक ये बड़ा सा पतीला रखा था गाइस लेके, और उसमें एक थाली रहती है। उन्होंने वो बहुत मन से चाव से, जैसे एक पिता करता है ना, पिताई मतलब मेरे पापा, उन्होंने बहुत दिल से किया था। और अभी इस टाइम हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। मैं आपको वो फीलिंग बता नहीं सकती हूँ, वो सब दिखाने की नहीं है फीलिंग, लेकिन उन्हें हम इतना मिस कर रहे हैं ना गाइस। वो हमारे बीच है, वो अभी भी यहीं है, यहीं कहीं है, इसीलिए हमें लॉकडाउन होते होते भी शॉप्स खुल नहीं रही हैं, तब भी हमें ये सारा सामान, हमारा एक भी चीज़ गाइस रुका नहीं है, हमें हर चीज़ हमारी सब कुछ मिल गई है। आप देख सकते हैं योगा कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मेरी पूरी बात कर रही हूँ, यहाँ पे योगा भैया डॉक्टर चेंज भी डाल दी मैं। गाइस ये हमारा उत्तराखंड का रिवाज है, और उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। 3, 2, 1 गो। ये क्या दिखा रहे हैं पीयूष सर? मैं हूँ या हमारे दीदी हमारे कुर्ता पजामा लेके। अच्छा जी, ये गाइस मेरी एंगेजमेंट के दिन कुर्ता पजामा पहनेंगे। खोल के दिखाओ कुर्ता पजामा, ये देखो पूरा खोलो, ठीक से खोलो। एक चीज और रहती है, वो है ये लिफाफे, जिसमें जो दूल्हे पक्ष के लोग होते हैं ना, उनको ये लिफाफे दिए जाते हैं गाइस। ये 2 कलर में है लिफाफे, जब वो लोग यहाँ आएंगे उन सबको एक एक ही दिया जाएगा। ये मेरी मम्मी और भैया लोग दे देंगे। तो ये गाइस रहा उनका सामान जो उनको दिया जाएगा, ये बहुत शुभ माना जाता है, जिसे देना ही देना होता है। और गाइस ये हमारी सबसे मेन चीज सैनिटाइजर, जो भी वहाँ से मेहमान आएंगे उनके हाथ में ठुस 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 करके लगाएंगे। आजकल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप सबको पता ही है, इसीलिए इसका काम संभालेगा आपका मैया, ये उन सब पे स्प्रे करेगा। मैं तो उस समय बैठी होंगी ऐसे करके। तो गाइस आप सबको हम एक एक करके हर चीज़ दिखाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारी क्या है ये फैमिली, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो, इसीलिए हम आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। क्या है ये, वो हमारी क्या है, वो हमारी फैमिली। चले गाइस, ये रहा हमारा उत्तराखंड का रिवाज, आपने देख लिया होगा। और जिस दिन मेरी सगाई होगी ना, आप लोगों को जरूर आना है, सबको मैंने इन्वाइट किया हुआ है, और वो वीडियो भी आप सबको मिल जाएगा। चलिए तो गाइस, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना। तो गाइस हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बाय गाइस। हे गाइस, आप जो ये साड़ियां देख रहे हैं ये मेरी सासू माँ के लिए हैं, दादी जी के लिए हैं और चाची जी के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये सभी साड़ीज़ मेरी चॉइस की हैं, मैंने चॉइस करी थी और मुझे पता है माँ को ये साड़ी बहुत पसंद आई थी। और ये जो कोट पैंट, ये जो आप देख रहे हैं कुर्ता ऑरेंज कलर का, ये पापा जी के लिए है। ठीक है गाइस, ये बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। और जो आप यहाँ पे ये पैंट शर्ट का कपड़ा, गाइस हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? देखिए ये मैंने
ये मैंने सारे गिफ्ट्स रैपर कर लिए हैं। ये मेरी इंगेजमेंट होने वाली है ना, तो ये मेरे ससुराल वालों के लिए सारे गिफ्ट हैं। यहाँ पे सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, देखिए ये हैं कुछ यहाँ पे हैं। दूल्हे राजा के लिए भी इसमें हैं, और नोबी के पापा के लिए, मम्मी के लिए, उनकी चाचियों के लिए, सबके लिए इसमें गिफ्ट्स हमने रखे हुए हैं। गाइस मैं आप सबको अपनी एसेसरीज़ दिखा रही हूँ, जो मेरी ज्वेलरी है, और सब चीज़ मैं आज आपको अपना दिखाना चाहती हूँ। देखिए गाइस, मेरी रेड कलर की बिंदी है, ये मेरी रेड कलर की मैचिंग साड़ी की है ना, अच्छी देखिए। और ये मैंने गोल्डन कलर की नेल पॉलिश ली है, ये बहुत अच्छी है। एक तो मैंने पिंक कलर की ये जो लगा रखी है, एक ऐसी है, और एक ये गोल्डन कलर की है। गाइज ये शॉपिंग हमने लॉकडाउन में करी है, कैसे की है शॉपिंग हम ही जानते हैं, हमने शॉपिंग कैसे की है। और देखिए गाइज, ये है मेरा नेकलेस, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। देखिए मुझे गाइज ऐसे नेकलेस ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वो गोल्डन या फिर अलग अलग कलर के रेड वेड पसंद नहीं है, मुझे ये वाइट डायमंड में बहुत पसंद है। देखिए ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मीडियम है, अच्छा है, और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने ले लिया। ये इसका अमाउंट मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इसका अमाउंट है ये 800 रुपए के आसपास ये है। ठीक है गाइस, इसमें मांग टीका है, देखिए ये मांग टीका भी है, और इसके बुंदे भी हैं। ये देखिए, ये है मेरा पूरा नेकलेस सेट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। ऑनलाइन परचेस करने में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और उसमें से लेती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा मैंने सोचा अपनी इंगेजमेंट के लिए मैं मार्केटिंग करके ही लेती हूँ। और देखिए ये मैंने नथ भी कुछ ऐसी ली है, वाइट कलर की, वाइट गोल्ड है। ये देखिए कितनी प्यारी है ना नथ, मैंने सब वाइट में ही लिया हुआ, मुझे गोल्ड में ज़्यादातर पसंद नहीं आता ना, है ना प्रिटी, सिल्वर में ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए गाइज, ये मेरी बैंगल्स हैं, दिखाऊं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, सीरियसली बहुत प्रिटी हैं, देखिए वाव, है ना अच्छी। देखिए आप सबसे मैं ये शेयर इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है ना, आप लोगों को बुलाने का तो मेरा बहुत मन है लेकिन कोई भी नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ अपनी खुशी, जो हर लड़की की खुशी होती है ना कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन आए, तो ये दिन मेरी ज़िंदगी में भी आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये अपनी खुशी बांट रही हूँ। आप लोग मेरी फैमिली का ही तो एक हिस्सा हो ना। चलिए बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। ये मैंने एक जूड़ा लिया है, ये मैं नहीं लगाऊंगी, ये मेरी छोटी सिस्टर है ना ज्योति, ये उसके लिए है, अच्छा है ना। और मैं अपनी सिस्टर का आपको नेकलेस दिखाती हूँ, ये नेकलेस भी हमें काफ़ी अच्छा पड़ गया तो हमने ले लिया, देखिए है ना प्रिटी। और गाइस देखिए इसका प्राइस है 500, इसमें हमें डिस्काउंट भी दिया था उन्होंने, ये सब कुछ हमने एक ही शॉप से ख़रीदा था गाइस, इसलिए हमें डिस्काउंट में मिला। देखिए कितना प्रिटी है ना सुंदर। इसके साथ आपको ये झुमके भी मिलेंगे, देखिए इसके साथ ये झुमके हैं, ये देखिए, और इसके साथ इसका मांग टीका है। ये बहुत प्रिटी नेकलेस है गाइस, आप लोग कभी यहाँ आओगे ना हल्द्वानी तो मैं आपको अच्छी शॉपिंग करा सकती हूँ। गाइस ये बैंगल्स हैं मेरी सिस्टर की, हम दोनों ने एक साथ अपनी शॉपिंग करी है ना, मेरी मम्मा ने अपने लिए शॉपिंग करी, मेरी सिस्टू ने अपने लिए शॉपिंग करी। देखिए उसकी येलो साड़ी है तो वो एक ही हाथ में पहनेगी, कुछ बैंगल्स के साथ मिला के, कड़े के साथ मिला के। और ये है मेरी मम्मा की बैंगल्स, उर्रे है ना इतने प्यारे। ये देखिए गाइज ये हमें पड़ गए थे 150 रुपये के, ये देखिए है ना सुंदर। मेरी मम्मा की साड़ी है ग्रीन कलर की, वो थोड़ा पत्ती वाला जो लीफ होती है ना उसकी कलर की,
साड़ी है। और गाइज मैं ये ब्लीच लेके आई हूँ, ये है VLCC की ब्लीच है गाइज। उस दिन के लिए थोड़ा सा ग्लो तो आना ही चाहिए ना फेस में, इसीलिए मैं ये ब्लीच लेके आई हूँ। मैं इसको लगाऊंगी 10 तारीख को, मैं इसे लगाऊंगी। देखिए अच्छी है ना ब्लीच। और एक मैं अपने लिए परफ्यूम लेके आई हूँ, ये हमारा परफ्यूम है, ये बहुत अच्छा मेलेडी है, बहुत अच्छा है ये परफ्यूम, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है गाइज। एंड गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, ये परफ्यूम लेते वक्त क्या हुआ था, मैंने वो भैया से कहा था कि भैया आप कोई भी परफ्यूम दे दो, जो आपकी पसंद का है वो दे दो, क्योंकि मैं उस समय बाकी के सामान लेने में इतनी बिजी थी ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती हम कैसे कैसे चोरों की तरह हम लोग शटर के नीचे से गए थे और बाहर से लॉक लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है उसके वजह से ऐसा हुआ था। गाइज ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, इस परफ्यूम के साथ एक ये यादें जुड़ गई हैं मेरी। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मेरी सारी शॉपिंग हो गई थी उसके बाद मुझे ये कुछ झुमके हैं गाइज बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मेरा ड्रॉअर झुमकों से भरा हुआ है, लेकिन तब भी मैंने ये झुमके लिए जो कि मुझे एक पेयर पड़ा था 100 रुपीज़ का। देखिए है ना सस्ता, देखिए कितना सुंदर है ना सुंदर, ये मुझे एक पड़ा था 100 रुपीज़ का। इसमें से मैंने तीनों की तीनों ख़रीद लिए, मैंने सोचा एक मेरी भाभी पहन लेगी, भाभी को जो भी पसंद आएगा भाभी पहन लेंगी। देखिए इतना सुंदर है ना ये, अभी तो आप लोग ना ये सब देख ही पाओगे, जब हम उस दिन इंगेजमेंट की मैं वीडियो डालूंगी ना तब आप लोग देखना। और देखिए दूसरा ये है, ये भी गाइज 100 रुपीज़ का है। देखिए गाइज ये कितना प्रिटी है ना, ये तीनों कलर मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैंने कहा भैया को, भैया प्लीज़ आप तीनों ही रख दो, अब भाभी इसको पहनेगी आई थिंक एंगेजमेंट के दिन। देखिए है ना सुंदर, बहुत प्रिटी है, इतने ये हैवी दिख रहे हैं ना, ये हैवी है नहीं, लाइट वेट है इसका। और तीसरा है ये सबसे सुंदर झुमका, ये भी मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। देखिए ना प्रिटी है ना, ये सब चीज़ किसी दिन पहन के मैं आप लोगों को ना ज़रूर दिखाऊंगी, है ना प्यारा। बस गाइज ये थी मेरी सारी की सारी शॉपिंग जो कि मैंने कर ली है, कंप्लीट शॉपिंग हो गई है मेरी। और अब इसके बाद मैं आपको एक दिन अपनी सारी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओ माई गॉड, एक चीज़ और रह गई, सॉरी, एक चीज़ रह गई है मेरी, ये मैट लिपस्टिक रेड कलर की, इसका शेड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी साड़ी है रेड टमाटो कलर की ना, तो मैं ये रेड कलर की लिपस्टिक लेके आई हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मैं इसे एक दो बार लगा चुकी हूँ, इससे हमारे लिप्स सूखते नहीं हैं, हमारे लिप्स अच्छे रहते हैं, तो ये लिपस्टिक है मैट कलर की लिपस्टिक। चलिए गाइस बाकी की चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही है, बाय बाय।